नमस्कार दोस्तों, पारस मनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि ओला आउट स्टेशन की राइड आप परफॉर्म करे या न करे। कल हमारे पास एक ओला का राइड आया था जो मैं कंप्लीट किया हूं और उसी के बारे में आपको सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। एक भाई का मेरे पास काफ़ी दिन से कॉमेंट आ रहा था जो सर ओला आउट स्टेशन में पर किलोमीटर क्या फेयर मिल जाता है, रिटर्न ट्रिप क्या है, वन वे क्या है, तो उसी के बारे में मैं आज सारा कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट से मेरा मनोबल और बढ़ते जाएगा और मैं आप तक अच्छी अच्छी जानकारी ओला उबर बिजनेस के रिलेटिव लाते रहता हूँ ताकि आपको सारा जानकारी मिल सके। अगर आप नए अभी जुड़े हैं ओला और उबर में तो सबसे पहले मैं आपको वो बुकिंग दिखा देता हूँ जो मेरे पास बुकिंग एक एक्सेप्ट हुआ था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ हूँ तो आप देख पा रहे होंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कस्टमर का नाम जो है वो अभिषेक रंजन शो हो रहा है सबसे टॉप कॉर्नर पे। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं डिस्टेंस सिटी हाकम बिहार के नाम से जो ड्रॉप लोकेशन था वो है। ट्रिप डिस्टेंस जो है 101 किलोमीटर दिखाया गया था मेरे पिकअप पॉइंट से और मिनिमम बिल जो है 2438 रुपया मुझे दिखाया गया। लेकिन बना क्या, जब मैं बुकिंग कंप्लीट किया तो उस समय बिल क्या बना, वीडियो में आप फुल बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें तभी आप ओला आउट स्टेशन के बारे में सारी जानकारी ले पाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे 2438 रुपया मुझे दिखा रहा है। ट्रिप ड्यूरेशन क्या है, ट्रिप ड्यूरेशन जब भी आपके पास अगर आउट स्टेशन की राइड आए तो आप इस चीज़ को ज़रूर पहले देखें, चेक करें। हर बार में या जल्दीबाजी में बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करें। बुकिंग जब भी आती है आउट स्टेशन की तो 25 से 30 सेकंड तक का आपके पास समय रहता है सोचने के लिए। उस समय तक आप सोच के आप अपना बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लेने का मन है तो आप स्किप वाले बटन को दबा के स्किप कर सकते हैं। तब आप देख पा रहे होंगे वन वे ट्रिप शो हो रहा है, वन वे ट्रिप है तो मैं बुकिंग ऑलरेडी उठा चुका हूं और नीचे जो है कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पे और लेफ्ट कॉर्नर पे कस्टमर केयर का नंबर आ रहा है। मैं आपको लेके चल रहा हूं ओला ऑपरेटर ऐप में जो पूरी दिन की कमाई ट्रैकिंग आपकी सारी कमाई का रिकॉर्ड जो है ओला ऑपरेटर है। अगर आप कार ऑनर होंगे तो आपको भलीभांति पता होगा जो ओला में जो है दो तरह का एप्लीकेशन है। एक ओला ड्राइवर ऐप है जो ड्राइवर यूज करता है जिससे राइड आती है, कंप्लीट होता है सारा कुछ। एक ओला ऑपरेटर बनाया गया है जो ओनर के पास रहता है। अगर आप ओला ऑपरेटर ऐप चलाना नहीं जानते हैं तो आई बटन में मेरा लिंक है, आप वहां जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं ओला ऑपरेटर के बारे में सारा एक्सप्लेन कर दिया हूं उस वीडियो में, आप सारा कुछ जाके सीख सकते हैं जो किस तरह से आपको ड्राइवर अटैचमेंट करना है और किस तरह से जो है बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं ओला ऑपरेटर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आज 19 मई 2022 है। मैं यस्टरडे कल का लगा देता हूं फिल्टर, तो मैं यस्टरडे पे लगा देता हूं और कल की डेट में अब आप देख पा रहे होंगे टोटल जो मेरी अर्निंग हुई है वो 2842 रुपया हुआ है और 8 बुकिंग मैं कंप्लीट किया हूँ और कैश कलेक्ट मुझे 912 रुपया हुआ है। नेट अर्निंग मेरा 3107 रुपया है। बैंक ट्रांसफ़र कल की डेट में मेरा 0 था। बस स्क्रॉल डाउन करके बस नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे ड्राइवर लॉगिन 1, टोटल बुकिंग कंप्लीट किया 8, करंट एवरेज ओला स्कोर जो है 10 में से 9.1 है, लॉगिन जो है 22 घंटा मेरा ड्राइवर था और कार 1 एक्टिवेट था, बुकिंग 8, टोटल किलोमीटर ओला रिकॉर्ड के हिसाब से 142 चली थी, अर्निंग 2842 हुई थी। अब मैं आपको वो आउट स्टेशन की राइड को ढूंढ के निकाल के दिखा देता हूं जो 101 किलोमीटर में मुझे कितना मिला था। तब आप देख पा रहे होंगे ये मेरी आउट स्टेशन की राइड थी, टोटल जो मुझे फेयर मिला है। टोटल आप पहले इस चीज़ को समझते हैं ये क्या किस तरह से फेयर को बनाया है। तो 18 मई 4 बजे जो है शाम को मुझे बुकिंग एक्सेप्ट हुआ था और ये रात को जो है 7:35 के आसपास जो है ये बुकिंग कंप्लीट हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे जो फेयर बनाया गया राइड फेयर 2460 रुपया, GST जो है 186 रुपया लगा है, ओला फीस 454 रुपया, राइड अर्निंग 1891 रुपया 13 पैसा। ये जो है एक राइड अर्निंग है और एक डेली अलाउंस है। डेली अलाउंस जो है वो आउट स्टेशन की राइड में दिया जाता है। अगर आप नाइट में 10 बजे रात के बाद परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको नाइट अलाउंस के नाम पर भी
200 से 250 दिया जाएगा। तो मुझे जो टोटल अर्निंग हुई है वो 2,084.13 रुपया हुई है और मेरी गाड़ी टोटल चली है 110 किलोमीटर। मैं जिस पिकअप पॉइंट से ड्रॉप लोकेशन तक उनको कस्टमर को ड्रॉप किया वहाँ तक 110 किलोमीटर चली है, लेकिन वहाँ से 110 किलोमीटर भी आपको खाली ही आना है। तो टोटल मेरी कल गाड़ी चली 220 किलोमीटर, और 220 किलोमीटर गाड़ी चलने पे मुझे टोटल पैसा जो मिला वो 2,084 रुपया मिला। ये 454 और 186 रुपया जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ओला का कमीशन है, ये पे करना है। 454 रुपया ओला का कमीशन है और 186 रुपया जो है आपका GST है। तो मुझे 220 किलोमीटर का आप पूरा फेयर देख लीजिए, जो ओला आउट स्टेशन वन वे फेयर 110 किलोमीटर, 110 जाना और 110 आना, यानी टोटल 220 किलोमीटर गए मेरी गाड़ी चली। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे ले जाके जोड़ के बता देता हूँ जो पर किलोमीटर मुझे कितना पैसा दिया ओला कंपनी ने, पर किलोमीटर मुझे कितना पैसा दिया ओला कंपनी ने। तो 2,084 रुपये का आप बिल देख पा रहे होंगे। अब हम आ गए कैलकुलेटर पे, अब आप देख पा रहे होंगे 2,084 / 220 तो 9.47 रुपया जो है मुझे पर किलोमीटर ओला की तरफ से मिला, सारा कमीशन काट के, कमीशन GST काट के। अब आप सोच लीजिए 9.42 रुपये में ड्राइवर एक्सपेंस, CNG या ऑयल एक्सपेंस, गाड़ी मेंटेनेंस कैसे पॉसिबल है इस महंगाई में? आज के डेट में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना ओला ड्राइवरों के लिए मुश्किल हो गया है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, आज की महंगाई में अगर AC में जा रहा है कस्टमर, मिनिमम कम से कम 15 से 17 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए तो चाहिए, लेकिन मिला कितना 9.47 रुपये। तो यही कुछ झलक थी ओला आउट स्टेशन के बारे में, वन वे ट्रिप के बारे में। अगर आप वन वे ट्रिप करना चाहते हैं या राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप में भी कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर कस्टमर सेम उसी डिस्टेंस पे गया था और रिटर्निंग भी अगर वो डालता है आने का, तो ये आप मत समझिएगा जो रिटर्निंग ट्रिप में मेरा डबल पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जाने का 2,400 कुछ रुपये दिखाया गया था और जाना आना दोनों उसमें इंक्लूड रहता, तो आपका हार्डली बिल जो है 2,800, 2,900 या 2,700 रुपये का ही बनता है। ये मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।